कक्षा 11वीं अध्याय 3 हिंदी आरओ अपू के साथ चले 2.5 साल, लेखक सत्यजीत राय। इन्होंने इस लेख में अपनी व्यथा, फिल्मी दुनिया में संघर्ष और समय के अनुसार कितना संघर्ष किया, एक एक पात्र, अप्पू और दुर्गा की भूमिका करने वाले बच्चे और तकनीक साथ लेकर रोज देहात में जाकर बैठता था। आकाश में भी एक काला बादल दिखाई दिया जो मुझे लगता था कि बरसात होगी। मैं इच्छा करता वह बादल बहुत बड़ा हो जाए और बरसने लगे। एक दिन हुआ भी वैसा ही। शरद ऋतु में आसमान में भी बादल छाए गए और धुआंधार बारिश शुरू हुई। उसी बारिश में भीगकर दुर्गा भागती हुई आई और उसने पेड़ के नीचे भाई के पास आसरा लिया। भाई बहन एक दूसरे से चिपक कर बैठे। दुर्गा कहने लगी, नेबूर पाता कर मचा रहे वृष्टि घरे जा, बरसात ठंड, अप्पू का बादल खुला, प्लास्टिक के कपड़े से ढके कैमरे को आंख लगाकर देखा तो वह ठंड लगने के कारण सहर रहा था। 60 पूरा होने के बाद दूध में थोड़ी ब्रांडी मिलाकर दी और भाई बहन का शरीर गर्म किया। जिन्होंने 35 फिल्म देखी वे जानते ही हैं कि वह 60 बहुत अच्छा चित्रित हुआ। शूटिंग की दृष्टि से गोपाल ग्राम की तुलना में बोडाल गांव हमें अधिक उपयुक्त लगा। अप्पू दुर्गा का घर, अप्पू का स्कूल, स्कूल के गांव, मैदान, खेत, पुकुर, आम के पेड़, बांस की झुरमुर, ये सभी बातें बोडाल गांव में और आसपास हमें मिली। अब उस गांव में बिजली आ गई, पक्के घर, पक्के रास्ते बने, उस जमाने में वे नहीं थे। उस गांव में हमें बहुत बार जाना पड़ा, बहुत बार रहना भी पड़ा, इसलिए वहां के लोगों से भी हमारा परिचय हुआ। उन लोगों में एक अद्भुत सज्जन थे, उन्हें हम सुबोधदा कहकर पुकारते थे। वे 60-65 साल के थे, उनका माथा गंजा था, वे अकेले ही एक झोपड़े में रहते थे और दरवाजे पर बैठकर खुद ही से कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते थे। हम उस गांव में एक फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं यह जानकर भी गुस्सा हो गए। हमें देखने पर चिल्लाते, फिल्म वाले आए हैं, मारो उनको लाठियों से। पूछताछ करने पर लोगों ने बताया वे मानसिक रूप से बीमार थे। बाद में सुबोध दास से हमारा अच्छा परिचय हुआ। वे हमें पास बुलाकर दरवाजे में बैठाकर वायलिन पर लोक गीतों की धुन बजाकर सुनाते थे। बीच बीच में हमारे कानों में फुसफुसाते, वो साइकिल पे आ जा रहा आदमी देख रहे हो ना, वह कौन है जानते हो? वह है रूजवेल्ट, पक्का पाजी। उनके मत से दूसरा एक था चर्चिल, एक था हिटलर, तो एक था अब्दुल गफ्फार खान। सभी उनके मतानुसार पाजी थे, उनके दुश्मन थे। हम जिस घर में शूटिंग करते थे उसके पड़ोस में एक धोबी रहता था, उसके कारण हमें बहुत परेशानी होती थी। वह भी थोड़ा सा पागल था और कभी भी भाइयों और बहनों कहकर किसी भी राज के मुद्दे पर लंबा भाषण शुरू करता था। फुर्सत के समय में उनके भाषण पर हमें कुछ आपत्ति नहीं थी, लेकिन अगर शूटिंग के समय वह भाषण शुरू करता तो हमारे साउंड का काम प्रभावित हो सकता था। उस धोबी के रिश्तेदारों में अगर हमारी मदद ना की होती तो वह धोबी सचमुच ही एक सिरदर्द बन जाता। जिस घर में हम पथेर पंचाली की शूटिंग करते थे वह घर हमें एकदम ध्वस्त अवस्था में मिला। उसके मालिक कलकत्ता में रहते थे, उनसे हमने वह घर शूटिंग के लिए भाड़े पर लिया था।
उस घर की मरम्मत करके उसे शूटिंग के लिए ठीक ठाक करवाने में हमें लगभग एक महीना लगा। उस घर के एक हिस्से में एक के पास एक कुछ कमरे थे, वे हमने फिल्म में नहीं दिखाए। उन कमरों में हमें अपना सामान रखते थे। एक कमरे में रिकॉर्डिंग मशीन लेकर हमारे साउंड रिकॉर्डिंग भूपेन बाबू बैठा करते थे। हम शूटिंग के वक्त उन्हें देख नहीं सकते थे, फिर भी उनकी आवाज़ सुन सकते थे। हर शॉट के बाद हम उनसे पूछते, माइंड ठीक है ना भूपेन बाबू, इस पर हाँ या ना के जवाब देते। एक दिन शॉट के बाद मैंने साउंड के बारे में उनसे सवाल किया, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं आया। फिर एक बार पूछा, भूपेन बाबू साउंड ठीक है ना, इस पर जवाब ना आने पर मैंने उनके कमरे में गया तो देखा कि एक बड़ा सा सांप उस कमरे की खिड़की से नीचे उतर रहा था। वह सांप देखकर भूपेन बाबू सहम गए थे और उनकी बोलती बंद हो गई थी। वह सांप हमने वहां आने पर कुछ ही दिनों के बाद देखा था। उसे मार डालने की इच्छा होने पर भी स्थानीय लोगों के मना करने के कारण हम उसे मार नहीं सके। वह वास्तु सार्प था और बहुत दिनों से वहां रह रहा था। पाठ का अभ्यास पाठ के साथ, बच्चों ये आपको घर में हल करना है, और पाठ के साथ नंबर एक ये होमवर्क है, पत्थर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला। नंबर दो, अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उनका कैसे मेल बैठता, उनमें से कंटिन्यूटी नदारद हो जाती, इस कथन के पीछे क्या भाव है। नंबर तीन, किन दो दृश्यों में दर्शक यह पहचान नहीं पाते कि उनकी शूटिंग में कोई तरकीब अपनाई गई है। चौथा, भूलों की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया, उसने फिल्म के किस दृश्य को पूरा किया। फिल्म में श्रीनिवास की भूमिका थी और उनसे बाकी दृश्यों को उनके गुजर जाने के बाद किस प्रकार फिल्माया गया। छठवां, बारिश का दृश्य चित्रित करने में क्या मुश्किल आई और उसका समाधान किस प्रकार हुआ। सातवां, किसी फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। पाठ के आसपास तीन प्रसंगों में राय ने कुछ इस प्रकार की टिप्पणियां की हैं, दर्शक पहचान नहीं पाते कि यह फिल्म देखते हुए इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया कि इत्यादि। ये प्रसंग कौन से हैं चर्चा करें और इस पर भी विचार करें कि शूटिंग के समय असलियत फिल्म की देखते समय कैसे छिप जाती है। दूसरा, मान लीजिए आपको अपने विद्यालय पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनानी है, इस तरह की फिल्म में आप किस तरह के दृश्य को चित्रित करेंगे। फिल्म बनाने से पहले और बनाते समय किन बातों पर ध्यान देंगे। तीसरा, पत्थर पंचाली फिल्म में इंदिरा ठकुरून की भूमिका निभाने वाली 80 साल की चुन्नी वाला देवी 2.5 साल तक काम कर सकी आदि। आधी फिल्म बनाने के पहले चुन्नी वाला देवी की अचानक मृत्यु हो जाती है, सत्यजीत राय क्या करते हैं, चर्चा करें। चौथा, पठित पाठ के आधार पर यह कह पाना कहाँ तक उचित है कि फिल्म को सत्यजीत राय एक कला माध्यम के रूप में देखते हैं, व्यवसायिक माध्यम के रूप में नहीं। भाषा की बात, पाठ में कई स्थानों पर तत्सम तद्भव क्षेत्री सभी भाषाओं के शब्द एक साथ सहज भाव से आए हैं। ऐसी भाषाओं का प्रयोग करते हुए अपनी प्रिय फिल्म पर एक अनुच्छेद लिखें।
दूसरा, हर क्षेत्र में कार्य करने या व्यवहार करने की अपनी निजी या विशिष्ट प्रकार की शब्दावली होती है। जैसे अप्पू के साथ 2.5 साल पाठ में फिल्म से जुड़े शब्द शूटिंग, साठ सीन आदि फिल्म से जुड़ी शब्दावली में से किन्हीं 10 की सूची बनाइए। तीसरा, नीचे दिए गए शब्दों के भावार्थ इस पाठ में ढूंढिए और उनका शब्दों में प्रयोग कीजिए। इश्तहार, खुशकिस्मती, सीन, दस्ती, जमा। अप्पू के साथ चले 2.5 साल। लेखक सत्यजीत राय ने कलात्मक कला के रूप में जो फिल्म बनाई है वो व्यावसायिक ना होके कलात्मक फिल्म है, और उन्होंने 2.5 साल तक इतनी मेहनत की, इतना संघर्ष किया, इस पाठ में उनकी व्यथा प्रतीत होती है। आप बच्चों से निवेदन है कि वह इस पाठ का अच्छे से अध्ययन करें। सत्यजीत राय के विषय में, उनके जीवन परिचय के बारे में अच्छे से अध्ययन करें, और जो इसके प्रश्नोत्तर हैं, जो शब्द हैं, उसके बारे में अच्छे से अध्ययन करें, पाठ को अच्छे से पढ़ें, और कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो मैं राकेश पांडे आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ, मुझसे संपर्क करें और मार्गदर्शन प्राप्त करें।